हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। आई एम बैक विद अनदर एक्साइटिंग वीडियो। टुडे आई विल शेयर माय मिंत्रा बैग कलेक्शन विद यू ऑल। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपने वो बैग जो मैंने मिंत्रा से बाय किए हैं। मेरे बैग कलेक्शन में जो फ़िलहाल मेरे पास बैग्स हैं उनमें जो मिंत्रा से मैंने बाय किए हैं, मैं आपके साथ वो शेयर करने वाली हूँ। सो गाइज, फर्स्ट वन इज़ दिस ब्यूटिफुल गोल्डन क्लच। दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल गोल्डन कलर। इट्स अ पार्टी क्लच। मैंने अपने भाई की शादी में इसे बाई किया था। काफ़ी ब्यूटिफुल सा क्लच है। इसे आप इंडो वेस्टर्न इंडियन आउटफिट किसी के साथ भी पेयरअप कर सकते हैं। इस क्लच को मैंने बाई किया था 599 रुपीज़ में। और अभी इसका जो करंट प्राइस है वो MRP पे है, 1699 पे, और आउट ऑफ स्टॉक है ये। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें इस तरीके की ये जो चेन है, इसमें जो स्ट्रैप है, स्ट्रैप में इस तरीके की चेन दी हुई है। और यहाँ पे इसकी ओपनिंग है, ये इसका स्पेस। इसका जो टेक्सचर है वो कुशन्ड है, मतलब थोड़ा सा कुशन जैसा फील होता है, सॉफ्ट इसका जो टेक्सचर है। और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और इसे मैंने इसके कलर की वजह से बाय किया था। इसका कलर काफ़ी ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल गोल्डन कलर है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, इट्स रियली वेरी ब्यूटीफुल। तो गाइज, नेक्स्ट है ये शोल्डर बैग। इट्स फ्रॉम लीनो पैरोस। आपको इस ब्रांड के बैग्स फ्लिपकार्ट और मिंत्रा पर मिल जाएंगे। मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये, क्योंकि अभी शोल्डर बैग ट्रेंड में है। और जो मुझे इसकी ओवरऑल लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी। इसमें फ्रंट पे इस तरीके की एक एक्स्ट्रा चेन डिटेलिंग आपको मिल जाएगी। इसमें इस तरीके की आपको स्ट्रैप मिलेगी। और ये सिर्फ शोल्डर बैग, इट्स नॉट स्लिंग बैग। जिप है यहाँ पे, इसका स्पेस मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इसमें भी काफ़ी अच्छा खासा स्पेस है। और इसके अंदर एक एक्स्ट्रा जिप दी हुई, इसके अंदर एक्स्ट्रा चेन दी हुई है। तो आप अपने पैसे वगैरह रख सकते हैं। एक एक्स्ट्रा यहाँ पे भी आप अपने कार्ड्स या फिर कुछ भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो काफ़ी सारा स्पेस है इसमें, आप देख सकते हैं जी। इसके अंदर एक्स्ट्रा चेन दी हुई है, तो आप अपने पैसे वगैरह रख सकते हैं। एक एक्स्ट्रा यहाँ पे भी आप अपने कार्ड्स या फिर कुछ भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो काफ़ी सारा स्पेस है इसमें, आप देख सकते हैं। फ़ोन के साथ साथ काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आ सकती हैं। ओवरऑल मुझे ये बैग बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इसको मैंने बाई किया था अराउंड 700 रुपीज़ में। MRP है 1995 रुपीज़। और प्राइस के ऊपर नीचे होते होते अभी मुझे नहीं पता ये किस प्राइस पे है, पर मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है ये बैग। और एक ब्लैक बैग तो मस्ट है होता है आपके कलेक्शन में। नेक्स्ट वन इज़ दिस ब्यूटिफुल पेस्टल ग्रीन बैग फ्रॉम वैन हुसैन। इसे मैंने बाय किया था 1399 रुपीज़ में। दिस इज़ माई फेवरेट बैग। आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी 100 out of 100 है। और फ्रंट पे आपको ब्रांड डिटेलिंग मिलेगी वैन हुसैन। और इस तरीके से ओपनिंग है इसकी, बटन क्लोज़र है। और काफ़ी वाइड है ये, काफ़ी सारा मतलब स्पेशियस है ये, आप देख सकते हैं। इसमें 2 कंपार्टमेंट्स हैं, एक इनर पॉकेट है जिसमें जिप लगी हुई है, और उसके अलावा कार्ड्स के लिए भी इन्होंने अलग से स्पेस दिया हुआ है। इसकी क्वालिटी मैं आपको बता चुकी हूँ, 100 out of 100 है। और ये 2-in-1 है। इसे आप इस तरीके से शोल्डर बैग की तरह आप इसको कैरी कर सकते हैं। और अगर आप इस तरीके से अगर आप इसकी स्ट्रैप को एडजस्ट ये, तो फिर आप इसको एक स्लिंग बैग की तरह भी कैरी कर सकते हैं। आपको एक लॉन्ग स्ट्रैप मिल जाएगी इस तरीके से। इसकी जो डिटेलिंग है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, आप देख सकते हैं। इसका जो पैटर्न है कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और क्वालिटी मैं आपको बता ही चुकी हूँ। मैंने बाय किया था 1399 रुपीज़ में, और इसकी MRP थी 2600 समथिंग। नेक्स्ट वन है ये रेड स्लिंग बैग। इट्स फ्रॉम लेवी। और इसका टेक्सचर भी ब्लैक शोल्डर बैग लीनो पैरिस से जो है उसकी तरह ही इसका भी टेक्सचर है, जो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। और इसका कलर बहुत ही सुंदर है। ये एक स्लिंग बैग है, नॉर्मल स्लिंग बैग। और इसमें
इस तरीके से जो एक मेन कंपार्टमेंट है इसके अंदर, मतलब सिर्फ एक ही कंपार्टमेंट है इसके अंदर आपको, और कोई भी मतलब इनर पॉकेट नहीं मिलेगी आपको। तो ये इसका थोड़ा सा प्लस माइनस पॉइंट था ये, इसके अंदर कोई भी इनर पॉकेट नहीं है। पर इसका कलर मुझे इतना प्यारा लगा, कलर और इसका डिज़ाइन एवरीथिंग मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, तो फिर मैंने इसे रिटर्न नहीं किया, मैंने इसे रख लिया। और ये काफ़ी सुंदर है ये बैग। तो गाइज इसे मैंने एंड ऑफ रीजन सेल पे सिर्फ 500 रुपीज़ में बाई किया था और इसकी MRP है 2700 रुपीज़। तो फिर इसलिए मुझे डील काफ़ी अच्छी लगी थी, तो मैंने ये माइंड नहीं किया कि इसके अंदर इनर पॉकेट्स नहीं है, तो मैंने इसे बाई कर लिया। नेक्स्ट वन है ये ब्राउन स्लिंग बैग, ये भी स्लिंग बैग है एंड इट्स फ्रॉम लीची बैग्स। गाइज इस बैग को मैंने बाय किया था इसकी डिटेलिंग की वजह से, जो इसमें प्यारा सा जो ये पैटर्न है, इसमें जो ब्रेड का पैटर्न है मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था। और इसमें इस तरीके से ओपन क्लोजर है यहाँ पे, ये भी काफ़ी स्पेशियस है। इसमें एक मेन कंपार्टमेंट है, इसके अंदर दो इनर पॉकेट से एक में चेन लगी हुई है, दूसरा विदाउट चेन है। तो ये बैग भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, ये बैग भी मुझे काफ़ी पसंद है। एक तो ब्राउन बैग है, मतलब ब्राउन बैग ही मस्ट हैव होता है आपके वार्डरोब में। इसमें है नॉर्मल स्लिंग और बैग कुछ इस तरह बैग आप देख सकते हैं, ये है बैग। इसे मैंने बाय किया था 780 में और इसकी MRP है 1699। अभी ये 713 में अवेलेबल है, आउट ऑफ स्टॉक नहीं है। नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन गाइज, लास्ट वन है ये ब्यूटीफुल पीच स्लिंग बैग, इट्स फ्रॉम बैगिट। ये मैंने बाय किया 706 रुपीज़ में और इसकी MRP है 1690। ये बहुत ही प्यारा कलर है इसका, और फ्रंट पे आपको ब्रांड डिटेलिंग मिलेगी और बैक पे आपको इस तरीके से एक और आपको कंपार्टमेंट मिल जाएगा जो स्पेशियस है। ये काफ़ी स्पेशियस है, छोटा बैग है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और इसके अंदर इसमें जो पोल्का डॉट्स डिटेलिंग है लोअर साइड पे, दैट लुक्स रियली वेरी प्रिटी। ये बैग मेरा नहीं है, मम्मी का है, लेकिन 4 दिन पहले ही रिसीव हुआ है, काफ़ी ब्यूटीफुल है, तो मैंने सोचा कि मैं इसे भी इस कलेक्शन में इंक्लूड कर लेती हूँ। सो गाइज, ये था मेरा मिंत्रा बैग कलेक्शन। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। दैट वॉज इट फॉर टूडेज वीडियो। बी बैक विद अनदर वीडियो। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू माई चैनल। बाय गाइज।